गाइस, तो अभी मैं हूँ इंदौर सिटी पे और ये हमारा रूम है। 800 रुपए एक नाइट का पड़ा है अपने को। हम लोगों को 2 दिन हो चुके हैं इसी रूम पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, एक दिन और रुकना पड़ेगा। फिलहाल गाइस, आज का जो व्लॉग है इंदौर सिटी, आप लोगों को मैं घूम घूम कर दिखलाने वाला हूँ। कहाँ पे बस स्टैंड है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, खाने पीने की क्या सुविधा है यहाँ पे, सस्ता सुंदर टिकाऊ। और यहाँ पे ना थाली मिलता है 130 रुपए में, कहीं भी आप जाओगे थाली मिलता है 130 रुपए में। अनलिमिटेड खाना मिलेगा आप लोगों को और काफी स्वादिष्ट होता है खाना, वो भी आप लोगों को मैं दिखला दूँ। यहाँ पे काफी सारे प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं, वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है खजराना गणेश मंदिर प्रवेश मार्ग, देख लो भाई साहब। फाइनली पहुंच चुके हैं खजराना गणेश टेम्पल और हमने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दिया है। गाड़ी का कोई भी चार्ज नहीं, निःशुल्क है। और यहाँ पे देख सकते हैं साथ के दुकान लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे लड्डू के दुकानें हैं। इतने सारे भक्तगण हैं जो वापस भी जा रहे हैं, सारे देवी देवता हैं। ये देखो यहाँ पे दुर्गा माता है, अभी हम लोगों को इसके अंदर जाना है। और हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराने के लिए। बरगद के पेड़ है इस साइड में, इतने सारे भक्तगण आए हुए हैं दर्शन करके बैठे हुए हैं, लोग दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ से अपने को लाइन लगाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सब लाइन लगा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ऊपर में देखो कांच का बना हुआ है, काफ़ी विशाल ये मंदिर बना हुआ। देखो गाइस, सब भक्तगण लाइन लगा के रखे हुए हैं। तो देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, गणपति महाराज जी से दर्शन करिए गणपति महाराज जी का। इतने सारे भक्तगण जो लाइन से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए गणपति महाराज जी का। और मंदिर देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ कांच से पूरे बने हुए हैं। और घर बैठे आप लोगों को हम दर्शन करा रहे हैं गणपति महाराज जी का। घर बैठे आप दर्शन करिए, जो भी आपकी मनोकामना है गणपति महाराज जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ भी मूर्ति है कि हम दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, उससे पहले यहाँ भी गणपति महाराज जी है। और काफ़ी विशाल का ये दरबार है गणपति महाराज जी का। और इतने सारे भक्तगण हैं जो पहुंच रहे हैं, आगे साइड में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे मंदिर हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं इंदौर का जू, आप देख सकते हैं ये इंदौर का जू है। लोगों को यहाँ पे पैदल भी घूम सकते हैं, साइकिल से भी घूम सकते हैं हम लोग। और सामान रखने के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं कि हेलमेट रखना अपने को, हेलमेट क्या है काफ़ी भूजो होता है। और जो पार्किंग है वो फ्री है। घूम रहा है भाई चील, एक नंबर भाई, सुन के ना छूट गया लड़का। अरे अपने ओ भाई क्या बात है, ये वाला देखो पंख वाला वाइट मोर, वाओ। ओ भाई साहब क्या मस्ती है, अलग अलग प्रकार के जानवर देख रहे हैं अपन, सिकास टाइगर, बेहतरीन दिख रहा भाई। देखो अभी जा रही है भाई, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं सफेद गीत। 56 दुकान आप लोगों को हम दिखला रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह और क्या कोल्ड कॉफी, मटका, गुल्फी, फालूदा, ये सब मिल जा रहे हैं यहाँ पे। आइसक्रीम मिल जा रही है यहाँ पे, चिली पनीर डोसा देख लो इस तरह से बनाया जाता है, चिली पनीर डोसा बढ़िया यार। ये दही बड़ा है, शाही काज, कचौरी, ये सब है यहाँ पे। भुट्टे का डिश, अच्छा भुट्टे का डिश मिल जा रहे हैं। देन आगे देख सकते हैं यहाँ पे चॉकलेट वगैरह भी है। ये देखो दबेली मिल जा रहा है यहाँ पे, ये क्या चीज़ अभी है, ये दाल पानी। अच्छा जाल पानी, यहाँ पे आप बैठ के फ्रूट वगैरह का आनंद उठा पाएंगे। देखो लाइटिंग वाइटिंग भी एकदम गजब की है भाई साहब। पान मिल जा रहे हैं यहाँ पे, एक से एक वैरायटी के पान, बाकी फिर वही सिगड़ी डोसा यहाँ पे बहुत सारे मिल जा रहे हैं। देन ये देखो इसी तरह से दुकान देखने को मिल रहे हैं, दो तीन। हम फाइनली पहुंच चुके हैं रिजनेबल पार्क। गूगल मैप पे यही शो करता है रिजनेबल पार्क, और एक शो करता है अटल बिहारी रिजनेबल पार्क, तो दोनों एक ही है। आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखला देता हूं। इसका नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान पी पल्लिया पाल। और ये रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे काफी सारे कपल्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। लिखा है भूल भुलैया, सारे चीजें हैं सर, फोटोग्राफी के लिए ये जगह आपके लिए। सुंदर सा एक लेक है, बहुत प्यारा सा, इसे आप निहार सकते हैं। ये देखो खुले आम
यहाँ पे क्या चल रहा है देख सकते। टिकट ले लिए हम लोग, 20 रुपये का एक व्यक्ति का टिकट लगेगा, वो देखने को मिलेंगे भाई। फिर यहाँ पे शेर बना हुआ है भाई, ये तो में क्या सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ, इस तरह से काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। नारुद्दीन जागीर, इनकी मुद्राएँ हैं ये। इन पिस्तौल भाई ऐसा भी हुआ करता था, ये तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। ये लिखा हुआ है टोपीदार बंदूक, तो ये टोपीदार बंदूक है। अलग अलग प्रकार के नाम रखे हुए हैं, ये भी टोपीदार बंदूक है। ये देख लो इस तरह से बंदूक ही बंदूक है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे टोपीदार बंदूक, ये दोनों हैं टोपीदार बंदूक, एक छोटा है और एक बड़ा है टोपीदार बंदूक। ये है भाई राजवाड़ा पैलेस, क्या बात है भाई, गजब दिख रहा है यार, आलिशान हुआ है। होलकर राज्य की स्थापना और राजवाड़े का इतिहास, इस तरह से पूरा बना हुआ है राजवाड़ा पैलेस। मंडे को यहाँ पे ना अधिकतर जितने भी प्लेसेस है वो सारे के सारे बंद होते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा। पूरे लकड़ी इस तरह से पूरा गुंबद जैसे बने हुए हैं, शानदार सा दृश्य देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा सा ये स्पेस है एक तरह से देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे शिवलिंग है, अहल्या देवी थी वो, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं। बीच में देखो इस तरह से मस्त सुंदर सा गार्डन है, तुलसी चौरा है, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित ये जगह है। यहाँ पे देख सकते हैं नंदी महाराज जी हैं इस तरह से, तो चलो अंदर आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं महादेव जी का। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, अरे भोलेनाथ, तो घर बैठे आप दर्शन करिए। और पत्थर भी है, अभी प्यारी से मूर्ति पीतल का है लगता है ये पूरा, क्या टिकट लगता है, होलकर गैलरी करके लिखा हुआ है, बड़ा सा है, बाप रे पूरे पीतल के हैं। और अब इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये भी रखे हुए हैं पुराने ज़माने का, क्या बात है। आज भी हम देख रहे हैं वो सब चीज़ों को, देखो इस तरह से बर्तने हैं। और राजवाड़ा पैलेस का नाइट व्यू दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं हमारे पीछे में कितना खूबसूरत सा ये महल दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा यहाँ पे लाइटिंग दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लाइटिंग है। यहाँ पे राजवाड़ा पैलेस एक हवेली के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं लाल बाग पैलेस, जस्ट हमारे पीछे साइड में है, ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा ये पैलेस दिख रहा है। देन यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, टिकट का क्या प्राइस है वो भी आप लोगों को हम बदला देंगे। भारतीयों का 20 रुपये चार्जेस है और विदेशी लोगों का 400 रुपये है लाल बाग पैलेस का। और इस साइड में है पूरा गार्डन एरिया, अंदर में तो अच्छा ठंडा महसूस हो रही है, क्या शानदार सा बना हुआ है भाई, यहाँ लग रहा है कि ये पैलेस है करके देख लो, बनावट एक नंबर। सोफा सेट है ये देखो, इस तरह से सोफा सेट लगे हुए हैं ऊपर में, बनावट देखो आप लोग कितना सुंदर सा है। यशवंत राव होलकर द्वारा 12 नवंबर 1923 को शिकार किया गया। ये रूम है, कितना प्यारा सा रूम, सोफा सेट वगैरह भी है यहाँ पे, और ऊपर में भी देख सकते हो काफ़ी सारे चित्र बने हुए हैं। वाह क्या ही कहने भाई, इतना बड़ा सा रूम, इतना प्यारा रूम, ये राजा का रूम है भाई साहब, देख रहे हो राजा का रूम। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग।